14 रन बने थे। और यहां से भी इसी मुकाबले में उसी तरीके की छाप नजर आती है। अभी पहली 5 गेंदें यहां से खत्म हुई है और स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन लगते हुए एक जरूर झटका लगा है ओमकार हरपाल नाम का बल्लेबाज मैदान से बाहर हुआ है। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम नीलकंठ 11 पेन की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन। टीजे तो जरूर पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन, एक सफलता जरूर यहां से प्राप्त की। गेंदबाज सुधीर पाटिल ने बिल्कुल रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे सुधीर पाटिल। एक ओवर की यहां से समाप्ति हुई। नीलकंठ 11 पेन की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज जरूर अविनाश यहां से आते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल पेन तहसील बनाम पनवेल तहसील के बीच में यह मुकाबला हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी बनाम नीलकंठ 11 पेन के बीच में चलता हुआ आज की रात का यह दूसरा मुकाबला। गेंदबाज अविनाश तैयार, सामने बल्लेबाज समीर मुले। समीर मुले एक लेदर खिलाड़ी है, अच्छा सागर मुले, बिल्कुल सागर मुले एक अच्छे खिलाड़ी है, लेदर का काफी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। अब एक्सपीरियंस ताव के ऊपर लगाना होगा टीम पेन के बल्लेबाजों को। पहले ओवर में 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए वाशी विभाग टीम, आपको कहीं भी जाना नहीं है, हमारे आयोजनकर्ताओं द्वारा कॉल दिया जा रहा है, वाशी विभाग टीम आपको कहीं भी जाना नहीं है। सन्माननीय आमचे पत्रकार विनायक जी पाटील साहब त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। गेंदबाज अविनाश यहां से तैयार रहेंगे सामने बल्लेबाज सागर मुले के लिए। बिल्कुल पेन बनाम पनवेल के बीच में ये मुकाबला है, काफी कड़ा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला भी ऐसा लगा था पहले 3 ओवर में कहीं ना कहीं टीम हमरापुर विभाग जरूर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई जो वाइट का इशारा था वहां वाइट के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। बिल्कुल टोटल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए पिछला मुकाबला जो हुआ था कांटो भरा मुकाबला, 6 में 24 की जरूरत थी और वो पूरी तरीके से मुकाबला जिताया था बल्लेबाज रोहन मात्रे ने। इस बार रिवर्स का प्रयास किया था, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहां से इस गेंद के ऊपर लेग बाइंस के तौर पर यह सिंगल मिलते हुए इस सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या में इजाफा होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अविनाश पहली वाइड गेंद फेंकी थी, इस गेंद के ऊपर लेग बाइंस के तौर पर यह सिंगल आती हुई 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार अविनाश, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज समीर आवास्कर। समीर आवास्कर ने अभी तक 4 गेंदे खेली है और अपने बल्ले से 2 रन बनाए। अब समीर आवास्कर को अपने रंग में वापस यहां से आना होगा, किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे समीर आवास्कर ये हम यहां से जरूर देखेंगे। इस बार यह फुल टॉस गेंद, समीर आवास्कर ने इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में खेला और यहां से क्या शानदार कैच पकड़ते हुए, वन हैंडेड कैच यहां से पकड़ते हुए नजर आए और जरूर अंपायर का इशारा आता हुआ विकेट का पतंग। क्रिकेट में अक्सर कहते हैं पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, और ऐसी शानदार कैच यहां से पकड़ते हुए खिलाड़ी तो जरूर जो तहसील वाइज टूर्नामेंट है इसके कारण जरूर खिलाड़ी के नाम तुरंत नहीं आ रहे। यहां से विकेट मिलता हुआ नए बल्लेबाज प्रथमेश, स्ट्राइक एंड जरूर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज सागर मुले यहां से रहते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी की भागदौड़ अविनाश पहली वाइड गेंद फेंकी थी, उसके बाद लेग बाइंस के तौर पर सिंगल मिली थी और तीसरे गेंद के ऊपर यहां से सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज अविनाश नजर आते हुए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाज अविनाश का
जरूर हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी बनाम नीलकंठ इलेवन पेन के बीच में चलता हुआ ये आज की रात का दूसरा मुकाबला। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार, इस बार ये शॉर्ट पिच गेंद जरूर फेंकी थी। सागर मोले जरूर फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन यहां से इस गेंद के ऊपर आते हुए ये सिंगल, इस सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बिल्कुल हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम के पैकर हमारे रवि दादा पाटिल काफी खुश नजर आते हुए उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन यहां से देते हुए एक एक खिलाड़ी को गिन चुन के दिया गया है। टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी ने यहां से बिल्कुल टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पांच रन। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार रहेंगे अविनाश की ये गेंद सामने बल्लेबाज रहेंगे प्रथमेश मैन फ्रॉम रामवाड़ी के ये खिलाड़ी यहां से स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए अविनाश की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जरूर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम नजर आती भी खिलाड़ी गेंद के नीचे थे और यहां से लपक लिया विकेट नंबर तीसरा मैदान से बाहर जाएगा प्रथमेश। यहां से तीसरा झटका लगता हुआ टीम नीलकंठ इलेवन पेन को बल्लेबाज प्रथमेश जो बगैर खाता खुले मैदान से बाहर हुए, नए बल्लेबाज सागर पाटिल यहां से आते हुए नजर आ रहे। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज सागर मूले, दोनों भी सागर मैदान के अंदर यहां से खेलते हुए नजर आ रहे। अब गेंदबाजी की भागदौड़ अविनाश, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होती भी, अभी तक चार गेंदे इस गेंदबाज ने फेंकी है और चार गेंदों में तीन रन खर्च किया अपने ओवर में। फिर एक बार गेंदबाज अविनाश तैयार, अमोल जी एरनकर समालोचक आहेत त्यांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं देखील सहर्ष स्वागत है। अमोल जी एरनकर यांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत है। यहां से गेंदबाज अविनाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए ये डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी होती भी हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी की ओर से, लेकिन पेन टीम भी बिल्कुल लूज टीम नहीं है, एक एक खिलाड़ी गेंद चुन के लिया है। अब इन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन यहां से दिखाना होगा। इस बार सागर मुले ने लॉफ्टेड ड्राइव खेला, गेंद गई सीमा रेखा के यहां से बाहर जाती हुई नजर आ रही है, अंपायर का इशारा आता हुआ ये शानदार छक्का। क्रांतिवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतिवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। तो यहां से टीम का टोटल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दो ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। मगर पुनः एकदा सूचना आली आहे मुख्य प्रवेश द्वारावरती आपण प्लीज टू व्हीलर बाईक पार्क करू नका आणि फोर व्हीलर कार देखील रस्त्यामध्ये पार्क करू नका, रस्ता मोकळा ठेवा, कारण काही क्षणातच मान्यवरांचं शुभागमन होईल आणि त्यामुळे थोडासा व्यत्यय निर्माण होणार याची काळजी आपण सर्व प्रेक्षकांनी घ्यायची आहे। तर आमचे समालोचक मित्र आदरणीय अमोलजी एरणकर साहेब यांना विनंती, आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलंही सहर्ष स्वागत। सर या खरंतर पेन संघाचे ते समर्थक आहेत, अमोल एरणकर साहेब आपण या प्लीज सारशाजी पितळे साहेबांशी आपण संपर्क करा, आपला संघ तिघे खेळलेला या स्पर्धेमध्ये, त्यामुळे प्लीज आपण लवकरात लवकर आमच्या व्यासपीठावरती या। तो ओवर की समाप्ति के बाद नीलकंठ इलेवन पेन की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन और यहां से तीन विकेट जरूर प्राप्त हुए टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी को। नए गेंदबाज सचिन मोरे यहां से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे, सचिन मोरे मैन फ्रॉम नेरे एक्सप्रेस के नाम से अक्सर जाने जाते हैं खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी चुन चुन के यहां से लिए गए टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी ने। बिल्कुल हमारे रवि दादा भोईर जो रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के सलाहकार है, जिन्होंने एक एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से चुना है और यहां से अच्छा प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं उनके ये
खिलाड़ी। दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल बनते हुए 11, नए गेंदबाज सचिन मोरे तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज सागर पाटिल बलवली के ये स्टार खिलाड़ी है, रिवर्स खेलने का जरूर प्रयास किया था। यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जरूर दुधारी तलवार इस शॉट को जरूर कहते हैं, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहां से किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं हुआ और ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। फिर एक बार सचिन मोरे की अगली गेंद सागर पाटिल के लिए, इस बार बिल्कुल गेंद यहां से टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही है और बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये दूसरी डॉट गेंद यहां से फेंकते हुए टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार सचिन तैयार, सचिन के यॉर्कर गेंद, परफेक्ट यॉर्कर यहां से गेंद फेंकी थी सचिन ने और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। लगातार 3 डॉट गेंदे यहां से फेंकते हुए सचिन मोरे, क्या शानदार गेंदबाजी होती भी हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी की ओर से। फिर एक बार इस बार सागर पाटिल पूरी तरीके से यहां से ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके का गेंद और बल्ले का संपर्क होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल यहां से फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा सागर पाटिल इस बल्लेबाज को। लगातार 4 डॉट गेंदे यहां से फेंकते हुए गेंदबाज सचिन मोरे। इस बार सचिन की ये गेंद टप्पा खाने के बाद स्लो ओवर 1 बाहर की ओर निकली थी और ये लगातार 5वीं डॉट गेंद। बिल्कुल बलवली के ये खिलाड़ी है, पूरी तरीके से बीट कर दिया इस गेंदबाज सचिन मोरे ने सागर पाटिल इस बल्लेबाज को। अब इस ओवर की यहां से आखिरी गेंद बाकी है। मैंने पहले कहा था इस टूर्नामेंट पे अभी तक अगर सोचा जाए तो 2 मेडन ओवर फेंकी गई है, क्या ये तीसरी मेडन ओवर रहेगी या फिर इस गेंद के ऊपर स्कोरिंग रन आएंगे। और यहां से ये तीसरी मेडन ओवर फेंकते हुए सचिन मोरे के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या शानदार गेंदबाजी की यहां से गेंदबाज सचिन मोरे ने। तो जरूर यहां से सचिन मोरे के लिए इनाम आता हुआ हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के पैकर हमारे रविदादा भोईर, इनके ओर से सचिन मोरे इस खिलाड़ी के लिए ₹500 का यहां से इनाम आता हुआ, उनका भी हम यहां से स्वागत करना चाहेंगे। डीजे एका पक्षाचा होता वाघ, तरुणांच्या मनात भरला, गोर गरिबांचा तो दाता देवदूत असा हा ठरला। तिंत्या शेठ दादान दिले हो मोठे दान, क्रिकेट साठी दादाचे होते कार्य महान, स्वर्गीय निलेश भाई प्रतिष्ठान। आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे सत्यम भोईर साहेब यांचं देखील सत्यम म्हात्रे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, मेडन ओवर यहां से फेंकते हुए सचिन मोरे नजर आए। अब टीम की ओर से 4th और खुद का पहला गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निखिल भोईर, मैन फ्रॉम कोलवाड़ी, कोलवाड़ी गांव के ये खिलाड़ी है निखिल भोईर, यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सन्माननीय कमलाकर जी मोकल साहब कलब्याचे सरपंच आहेत, यांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। गेंदबाज यहां से तैयार, ये शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी बल्लेबाज सागर मुले द्वारा आता हुआ ये शानदार टीम को जान देने वाला चौका। जरूर अब टीम को रनों की जरूरत है और ये रन कैसे भी आए टीम के लिए काफी लाभदायक रहेंगे। इस गेंद के ऊपर 14 आता हुआ टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए गेंदबाज फिर एक बार तैयार। इस बार एक और शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद के ऊपर भी जरूर हिट आना चाहिए था लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये डॉट गेंद की समाप्ति हुई। विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी निभाया, ये डॉट गेंद की समाप्ति। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती है 15 रन, 3 विकेट जरूर यहां से प्राप्त हुए। जरूर जो गोल्डन विकेट था ओमकार हरपाल का जो सस्ते में वापस लौटे, उसके बाद टीम पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर नजर आते भी नीलकंठ 11 पेन यहां से नजर आते भी। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदे यहां से बाकी है। गेंदबाज फिर एक बार तैयार निखिल भोईर,
निखिल भोईर की ये शॉर्ट पिच गेंद, ऐसी गेंद सागर मुले नहीं छोड़ेंगे, गेंद जाती भी सीमा रेखा के बाहर, सागर मुले का ब्रांडेड छक्का। तो यहां से इस गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ कुल टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते भी 21, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। टीम नीलकंठ 11 पे इनके बल्लेबाज सागर मुले ने चौवा, उसके बाद डॉट और ये छक्का आता हुआ, कुल मिला के टोटल बना 21। अभी भी इस ओवर की तीन गेंदें यहां से बाकी है। गेंदबाज निखिल भोईर फिर एक बार तैयार रहेंगे। कोलवाड़ी की ये गेंदबाज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़े से लाइन से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाज निखिल तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार एक और शॉर्ट पिच गेंद, एक और छक्का आएगा। इस गेंद के ऊपर आता हुआ फाइन लेग के ऊपर से सागर मुल्ले के बल्ले से लगातार दूसरा छक्का। एसपी 11 पेन पूर्व विभाग टीम चे कैप्टन आणि सर्व खेळाडू अमोल एरुणकर सर यांच्याशी आपण संपर्क करा, कारण पुढची मॅच असेल फ्रेश, करता दोन्ही संघ सज्ज आहेत। नभेश 11 विचुंबे विपक्ष एसपी 11 पेन पूर्व विभाग हा संघ असेल, तर दोन्ही टीमला विनंती आहे आपण इथे रिपोर्टिंग करा, टॉस साठी इथे संपर्क करा। यहां से अब टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी दो गेंदें बाकी है और इस दो गेंदों में टीम नीलकंठ 11 पेन चाहेगी कि दो बड़े हिट यहां से आ जाए, लेकिन टीम हिमांशु 11 कोलवाड़ी चाहेंगे कि ये दो गेंदें डॉट आ जाए। क्या होगा इन दो गेंदों के ऊपर, ये हम जरूर देखेंगे। इस बार स्टेप आउट जरूर हुए थे, क्रॉस दी लाइन, गेंद जाएगी एक और सीमा पार, लगातार आता हुआ ये तीसरा छक्का। थैंक यू डीजे। चलिए नई गेंद देनी है, हमारे आयोजनकर्ताओं से विनती करना चाहूंगा, नई गेंद देनी है। यहां से ये तीन गेंदों के ऊपर तीन छक्के आते हुए गेंदबाज निखिल भोईर के ऊपर। इस ओवर की अभी भी एक गेंद यहां से शेष है, इस आखिरी गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे ये हम जरूर देखेंगे। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 33, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज निखिल भोईर काफी महंगे साबित हो रहे हैं, पहला ओवर फेंका था गेंदबाज सुधीर ने, दो रन खर्च किए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। दूसरा ओवर फेंका अविनाश ने कुल खर्च किया अपने ओवर में। और ये देखिए आखिरी गेंद के ऊपर भी लगातार चौथा आता हुआ सागर बल्ले के बल्ले से, ये लंबा 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 छक्का। थैंक यू अमित। खरतर सागर मुळे हा खेळाडू मैदान मध्ये खेळतो, यावर्षी पेन तालुका प्रीमियर लीग झाली त्या स्पर्धेचा मालिकावीर आणि चांगला खेळाडू, लेदर देखील चांगला खेळतो आणि त्याच्या बॅटमधून चांगले फटकेबाजी आपण पाहिली। त्यानंतर नभेश 11 विचुंबे आणि एसपी 11 पेन पूर्व विभाग पेन या संघाच्या कॅप्टनला मी इन्व्हाइट करतो आपण टॉससाठी या, आणि आपण पुन्हा एकदा ऐकणार आहोत खूप चांगलं संगीत इथे खरंतर सोनाली वैती मॅडम यांच्या माध्यमातून। आणि पुन्हा एकदा याच्या मोटर्स परिवाराचा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो, खरंतर आपला अमूल्य वेळ त्यांनी या स्पर्धेसाठी काढला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून मालिकावीराची ग्लॅमर 125 cc बाईक या स्पर्धेसाठी आम्हाला उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल पुन्हा एकदा या संपूर्ण पेनकरांच्या वतीनं आणि आयोजकांच्या वतीनं आपलं आम्ही हृदयाच्या अंतकरणापासून इथे आभार व्यक्त करतोय। स्टायलिस्ट खरंतर सीबीजेड एक्स्ट्रीम, त्याचबरोबर तुम्ही पाहता प्लेजर आणि त्यानंतर ग्लॅमर, या तीन गाड्या तुम्हाला खरंतर आमच्या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला पाहायला मिळतील आणि त्यांच्या माध्यमातून खरंतर उपलब्ध झालेले आहेत, त्यांचा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। आणि जाऊया ऐकूया संगीत पुन्हा एकदा सोनाली वैद्य मॅडम यांच्या माध्यमातून। हॅलो
या मॅडम एक आवाज सांगा. हाल 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 Cheers.
क्या बात है, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या सोनाली वैते मॅडम साठी. अप्रतिम संगीत खरतर अखंड आगरी कोली कराडी तुम्हाला सर्वांच्या समाजाची कुलस्वामिनी आई एकवीरा माता यांना खरतर डेडिकेट करणारे संगीत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही इथे ऐकलंय. तर मी टॉससाठी इथे इन्व्हाइट करतोय पेन पूर्व विभाग टीमचा कॅप्टन एस पी इलेव्हन पेन पूर्व विभाग टीमचा कॅप्टन. आपण लवकरात लवकर टॉससाठी आणि त्याच्याबरोबर असेल नाविश इलेव्हन विचुंबे कॅप्टन इथे अवेलेबल झालेले आहेत. तर मी पेन पूर्व विभाग टीमच्या कॅप्टनला इथे पुन्हा एकदा सूचना देतोय आपण त्वरित टॉससाठी या. पेन पूर्व विभाग टीमचे पुरस्कर्ते आमचे समालोचक आदरणीय अमोल एरुणकर सर आणि त्याचबरोबरीने पेन पूर्व विभाग क्रिकेट असोसिएशनचे संस्थापक आहेत त्यांचाही देखील आवर्जून उल्लेख केला जाईल. स्वप्नील म्हात्रे आमचे मित्र खरं तर इथे उपस्थित झालेले आहेत या ठिकाणी त्यांचं स्वागत. लल्ला वास्कर पेन कोरीवाडा संघाचे रन मशीन इथे उपस्थित झालेले आहेत त्यांचंही स्वागत. अक्षय पाटील रावे यांचं आम्ही इथे मनपूर्वक स्वागत करतोय. विजय पाटील रावे यांचंही स्वागत. पंकज पाटील रावे यांचंही स्वागत. अक्षय इथे उपस्थित आहेत त्यांचंही स्वागत. चला मॅच सुरू करा प्लीज आणि टॉस केला जाईल कॅप्टन एस पी इलेव्हन पेन पूर्व विभाग टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या. आणि एका बाजूने संघ असेल तो म्हणजे नाविश इलेव्हन विचुंबे निलेशदा कांबळे यांना पुन्हा एकदा मी इथे इन्व्हाइट करतो आपण या व्यासपीठावरती. टीमचे ओनर आहेत पुरस्कर्ते आणि सातत्याने चांगला योगदान त्यांचा नाविश इलेव्हन विचुंबे संघाच्या माध्यमातून या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये राहिला आहे त्यांचा देखील आवाजाचा उल्लेख केला जाईल. तर आपण अतिथी मंचाकडे सन्मान घेतोय आमचे हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलबाडीचे प्रोप्रायटर आदरणीय रविदादा भोईर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी इथे विनंती करतो आमच्या आयोजक रुपेश पाटील यांना. आपल्या शुभ असते या ठिकाणी रविदादा भोईर हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलबाडीचे प्रोप्रायटर त्यांचा सन्मान आपण या व्यासपीठामध्ये करायचा आहे. तर डावाला सुरुवात झाली तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज वासुदेव देसले. कुछ दिन पहले राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी जो बारापाड़ा के मैदान के ऊपर हुई थी करनाला इलेवन करनाला के खिलाफ गेंदबाजी की थी. पेन तहसील की टीम के जरूर मुख्य गेंदबाज है. दो रन वाला ओवर फेंका था बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी वासुदेव देसले इन्होंने की थी. हमारे मंच के ऊपर यहाँ से स्वागत किया जा रहा है रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सलाहकार रविदादा भोईर इनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है मुख्य मंच पर. गेंदबाज वासुदेव फिर एक बार तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. वासुदेव की ये गेंद बिल्कुल जड़ में फेंकी थी सिंगल पूरा किया. गलती होती भी खिलाड़ियों के तौर पर यहां से नजर आते भी हरेश कावंट वहां पर तैनात थे. दूसरा पूरा किया तीसरा चुराने की कोशिश और यहां से तीसरा रन भी पूरा होता हुआ. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दो खिलाड़ियों के बीच में अच्छा तालमेल यहां से नजर आता हुआ. इन तीन रनों की मदद से टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी का यहां से खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है. स्कोर कार्ड के ऊपर तीन रन यहां से लगते हुए त्यानंतर संदेश मात्रे यांचा इथे सन्मान केला जाईल. खरं तर वलवली गावचे आमचे सुपुत्र आहेत आणि ट्रान्सपोर्ट लाईन मध्ये एक मोठं नाव आहे त्यांचा विशेष सन्मान करायचा आहे. सत्यवानजी मात्रे यांचा देखील सन्मान केला जाईल आमचे खजिनदार. काल त्यांचा सन्मान झाला आणि काल त्यांचा संघ देखील टॉप फाईव्ह मध्ये पोहोचलाय. तर संदेशी मात्रे यांचा आपण सन्मान करूया. मी हर्षदजी पितळे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते संदेश मात्रे यांचा आपण शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती करूया. तो यहां से ये मिसफील्ड के तीन रन यहां से मिलते हुए टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी को इन तीन रनों की मदद से प्रशांत पाटिल मैन फ्रॉम चिकले जिन्होंने अपना खाता खोला तीन रनों के साथ. टीम की कुल रन संख्या तीन रन दो गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है. 40 रनों का पीछा करते समय थर्ड अंपायर यस थर्ड अंपायर की भूमिका में रहेंगे. थर्ड अंपायर के लिए जरूर स्क्रीन के ऊपर यहां से देखेंगे वहां से डिसीजन दिया जाएगा. संतोष जी चौधरी सर यहां से जरूर देखेंगे. वासुदेव देसले की अच्छी गेंद लेकिन यहां से उंगली उठी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई खिलाड़ियों के ऊपर उंगली उठी थी जरूर. मुथैया मुरलीधरन सुनील नारायण कई ऐसे स्टार खिलाड़ी उनके ऊपर भी उंगली उठी थी. यहां से ये उंगली उठती हुई नजर आ रही है. अच्छी गेंद वासुदेव देसले की यहां से रफ्तार भरी गेंद और विकेट कीपर ओमकार हरपाल ने अपना काम बखूबी निभाया. एक और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर तीन रन लगते हुए तीन रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीन गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है. कुछ दिन पहले ही मुकाबला हुआ था करनाला इलेवन करनाला बनाम पेन के बीच में तब दो रन वाला ओवर फेंका था और आज भी वो जज्बा और जुनून दिखाते हुए गेंदबाज वासुदेव देसले यहां से नजर आते हुए फिर एक बार वासुदेव तैयार
वासुदेव की ये गेंद अपील जरूर हो रही है, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, विकेट नंबर एक विनय गावन, बैक टू द पवेलियन। कधी सराव तुला देव म्हणाव कि भीमराव म्हणाव, हेलो। तो यहां से जरूर विकेट प्राप्त होता हुआ, विकेट नंबर एक मैदान से बाहर होता हुआ बल्लेबाज विनय गावन, जब अगर खाता खुले मैदान से बाहर हुए। लेकिन वासुदेव देसले की जितनी तारीफ करे कम होगी, पहले चार गेंदों में 3 रन खर्च किए, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होती भी गेंदबाज वासुदेव देसले द्वारा। 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए, एक सफलता, बल्लेबाज विनय गावन को सस्ते में वापस लौटाया। अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज प्रवीण पाटिल, मैन फ्रॉम वल्लभ, वल्लभ के ये दोनों खिलाड़ी यहां से जरूर, विनय गावन भी वल्लभ के थे और यहां से अब प्रवीण पाटिल वल्लभ, बिल्कुल वल्लभ के ये दोनों अच्छे खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी यहां से गिने चुने गए टीम हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी में। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन, 4 गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है। फिर एक बार वासुदेव तैयार, वासुदेव की ये रफ्तार वाली गेंद, गैप सिलेक्शन यहां से नजर आता हुआ, सिंगल रन पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश, तू मैं, लेकिन यहां से गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, ये 2 रन यहां से मिलते हुए, इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन यहां से लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी वासुदेव देसले की, 40 रनों का पीछा करते समय टीम हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी यहां से नजर आते भी, पहले 5 गेंदों को यहां से खेल खत्म हो चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 5, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर। इस ओवर में 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते और बल्लेबाजों को काफी मौका रहता है, लेकिन वासुदेव देसले वो मौका नहीं दे रहे। यहां से एक और जड़ में फेंकी हुई ये गेंद, गेंद के नीचे बिल्कुल बल्ले फील्डर सागर मोले थे, इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलती हुई, इसी के साथ हुई पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी की रन संख्या 40 रनों का पीछा करते समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे चला प्रेक्षकांना विनंती, आपण कोणी पडद्यावरती बसू नका, बाउंड्री रोडच्या बाहेर जो पडदा आहे त्या पडद्यावरती कोणीही बसू नका, पडद्याच्या मागे बसा, अन्यथा तुम्हाला बसण्यासाठी स्टँड्स आहेत त्या स्टँडमध्ये बसा। बघा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही स्पर्धेमध्ये अशी सुविधा नसते, आणि आज मात्र आयोजकांनी स्टँड्स देखील उभारलेले आहेत प्रेक्षकांसाठी, त्यामुळे प्लीज आपण त्या स्टँडवरती बसून या स्पर्धेचा आनंद घ्या, पडद्यावरती बसू नका। काही क्षणातच तुम्ही पाहता या ठिकाणी स्वराज एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आमचे मित्र रायगडमधील दिग्गज पॅकर या ठिकाणी सनीश टुपे यांचं इथं शुभागमन होईल। मी त्यांना विनंती करतो जर आपण आला असाल तर आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। स्वराज एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सनीश टुपे, आज खरं तर ज्यांच्या नावानं हा संघ प्रत्येक स्पर्धेमध्ये खेळतोय तो स्वराज, त्याचा वाढदिवस आहे आणि त्याला देखील वाढदिवसाच्या आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं खूप साऱ्या इथे शुभेच्छा देतोय। तो यहां से पहले ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 6, आने वाले 18 गेंदे और 34 रनों की जरूरत, नए गेंदबाज रमाकांत शर्मा। तर व्यासपीठावरती आमचे मित्र खरंतर पेन क्रिकेट मधले एक मोठं नाव आहे, खरंतर स्वप्नील म्हात्रे त्यांचा आम्ही इथे सन्मान करतो। आयोजकांना विनंती, आपण आपल्या शुभ हस्ते आयोजक स्वप्नील म्हात्रे यांचा सन्मान करायचा, नगरसेवक नगरसेविका चषक आपण पेन नगरपालिकेच्या मैदानी पाहिला, त्या स्पर्धेचे दमदार आयोजक आणि त्या स्पर्धेमध्ये ग्रामीण ओपन अशा फॉर्मॅटचे संघ आपण त्या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहिले, त्या स्पर्धेचे आयोजक आमचे मित्र स्वप्नील म्हात्रे यांचा इथे सन्मान केला जाईल, आणि त्याचबरोबरने लल्ला भास्कर यांचा देखील आपण विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून या व्यासपीठावरती करतोय। स्वप्नील म्हात्रे यांचा सन्मान करत आमचे आयोजक रुपेश पाटील क्राईम ब्रांचमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांचे देखील ते परम मित्र आहेत आणि त्यांचा सन्मान या व्यासपीठामध्ये केला जातोय। आणि त्यानंतर लल्ला भास्कर पेन कोलीवाडा टीमचा संघनायक, पेन कोलीवाडा संघाची रन मशीन या ठिकाणी लल्ला भास्कर यांचा आपण इथे सन्मान करतोय। मी आयोजकांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते लल्ला भास्कर यांचा सन्मान करायचा आहे। शॉर्ट गलीला मात्र बीट करून बॉल चला डीपमध्ये, भरपूर वेगानं बॉल मात्र चालला सीमा पार, रन्स मिळतील 4। खाली
थैंक यू डीजे मास्टर। तो पहले गेंद के ऊपर रमाकांत शर्मा के 4 रन आते हुए कुल मिला के टीम की रन संख्या हुई 10। 30 की जरूरत, 17 गेंदे और 30 की जरूरत, कड़ा मुकाबला। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, जरूर प्रहार किया इस गेंद के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, एक और शानदार छक्का। नीलेश भाई 11 बेस्ट नवाचा क्रिकेट संघ ओपन झाला। टॉस के लिए आना है टीम नवी शिलेवन विचुंबे टीम के कप्तान और तेन पूर्व विभाग टीम के कप्तान। यस थैंक यू। त्यानंतर कळवे ग्रामपंचायत सरपंच आदरणीय कमलाकर पाटील साहेबांचा मी ते सन्मान घेतो। आयोजकांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय कमलाकर पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा। सातत्याने कळवे संघ असो किंवा या परिसरातला कोणताही संघ असो त्याच्यासोबत मात्र समर्थन देणारे आमचे सरपंच कमलाकर पाटील साहेबांचा सन्मान आपण या व्यासपीठावर करतोय। तो यहां से बिल्कुल बल्लेबाज प्रवीण पाटिल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। वल्लभ के ये बल्लेबाज क्या शानदार बल्लेबाजी होती भी, पहले जरूर चौवा दागा उसके बाद लगातार 2 छक्के। रमाकांत शर्मा अब खलनायक की भूमिका में यहां से नजर आते हुए 40 का पीछा करते हुए टीम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी यहां से नजर आते हुए इस बार कमबैक करते हुए बिल्कुल ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर फेंकी थी गेंदबाज रमाकांत शर्मा ने। टीम की कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगती भी 22, 22 रन अभी भी 18 की जरूरत, 14 गेंदे और यहां से 18 की जरूरत है। गेंदबाज रमाकांत शर्मा फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे, बिल्कुल रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन आज वो दिशा और वो लाइन से काफी भटकते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज रमाकांत शर्मा। पहले 4 गेंदों में अपने 16 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए। फिर एक बार रमाकांत तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद यहां से कमबैक करते हुए नजर आते हुए, पहले 3 गेंदों के ऊपर जरूर मार खाया था उसके बाद अच्छा कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक देखा जाए तो गेंदबाज रमाकांत शर्मा द्वारा। बिल्कुल लेफ्ट हैंड गेंदबाज, पहले भी गेंदबाज वासुदेव देसले उनको हमने देखा था लेफ्ट हैंड गेंदबाजी कर रहे थे और ये भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज। दरम्यान स्वराज एंटरप्राइजेस से प्रोप्रायटर रायगढ़ मधील दिग्गज पैकर ज्यांच्या माध्यमातून भिवंडी ठाणे परिसरातील अनेक संघ रायगडच्या धर्तीवरती आपण खेळताना पाहिले त्या खरंतर एंटरप्राइजेसचे ओनर सनिष टुपे त्यांच्या समवेत बाळा म्हात्रे त्यांच्या संपूर्ण सहकारी त्यांचा मी या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो। या स्पर्धेमध्ये तब्बल 8 संघांना खरंतर स्वराज एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर सनिष टुपे यांच्या माध्यमातून आम्हाला टी शर्ट देखील उपलब्ध झाल्या त्यांचा मी इथे मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि आज दुग्ध शर्करा योग खरंतर स्वराज म्हणजे सनिष टुपे यांचे चिरंजीव सुपुत्र स्वराजचा आज वाढदिवस, त्याला पुन्हा एकदा या संपूर्ण स्पर्धेच्या वतीनं मान्यवरांच्या वतीनं प्रेक्षकांच्या वतीनं आणि सर्व खेळाडूंच्या वतीनं वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा। चला एसपी पेन संघाचे कर्णधार आपला शेवटचा कॉल आहे आणि आता पॅनलाइज केला जाईल, अपन टॉस साठी लगेचच यायचं आहे। तो यहां से अब गेंदे बची है 12 और जीतने के लिए जरूरत है 14 रनों की। 12 गेंदे 14 रन, कड़ा मुकाबला होता हुआ जरूर वासुदेव देसले ने कमबैक किया था। मैंडेटरी पावर प्ले में 6 रन खर्च किए थे उसके बाद रमाकांत शर्मा की ये गेंदबाजी काफी महंगी साबित होती भी टीम नीलकंठ 11 पेन के लिए। टॉस यहां से किया जाएगा हमारे आदरणीय मेहमान अमोल एरनकर साहेबांचा शुभागमन झालं। एसपी 11 पेन संघाचे ते खरंतर पुरस्कर्ते आहेत आणि पेन पूर्व विभाग क्रिकेट असोसिएशनचे संस्थापक आहेत आणि आमचे मित्र पवन भोईर यांचे परम मित्र आहेत। पवन भोईर म्हटलं की बोरगाव टीमचे कट्टर समर्थक आणि त्यांचे ते परम मित्र, त्यांचा आम्ही इथे स्वागत करतोय। चला टॉस केला जाईल, दोन्ही कॅप्टन इथे खरंतर उपस्थित झालेले आहेत। सनिष टुपे यांच्या शुभ हस्ते मी टॉस करतोय। पुढचा सामना नवी शिलेबन विचुंबे विपक्ष पेन पूर्व विभाग हा संघ असेल। थैंक यू डीजे। तो इस गेंद के ऊपर चौवा आता हुआ, यहां से गेंदे बची है 11 और जीतने के लिए अब 10 रनों की जरूरत।
ये शॉट जरूर वीरेंद्र सेवा की याद दिलाते हुए पॉइंट के ऊपर से चब्बा आया था। इस बार हरीश तैयार, शानदार शॉट यहां से, कट शॉट यहां से देखने को मिला, थर्ड मैन क्षेत्र को चीरती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, ब्रांडेड चौका। थैंक यू। तर टॉस बॉक्स मधून आम्हाला मेसेज मिळाला, टॉस जिंकला नवी शिलेबन विचुंबे टीम ने, आणि त्या टीमला विनंती, हा सामना संपला जो का आपला निर्णय असेल लगेच मैदानात आबा घ्या। मैदानामध्ये प्रशांत पाटील नावाचा खेळाडू खरं तर खेळतो, चिकले गावाला तो बिलॉंग करतो आणि सातत्याने चांगलं योगदान त्याचं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये राहिलं आणि आज देखील एक उपयुक्त खेळी आपल्या संघासाठी साकारत असताना इथे बॅट स्किड झाली हातातून, बघा खरं तर दुखापत देखील झाली असेल, त्यानंतर मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला काय घडलंय, डायरेक्ट हिट केलाय, पंचाचा निर्णय येतो या ठिकाणी, खेळाडू होतोय रन आउट। अजून एक धक्का बॅटिंग करणाऱ्या खरं तर हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवारी टीमला, प्रशांत पाटील नावाचं बादल आज पेन नगरीमध्ये दाखल झालं, आतापर्यंत 8 चेंडूमध्ये 23 धावांचं योगदान आपल्या टीमला दिलंय, येणारे बॉल असेल आता या ठिकाणी 9 आणि विजयासाठी 6 रन्सची गरज आहे, 9 चेंडू आणि 6 धावा, एक समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आलंय। नौ गेंदे और यहां से 6 रनों की जरूरत है, आने वाली 9 गेंदों में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे हरीश कावंड, अब कमबैक करते हुए नजर आ रहे, पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 चौवे, उसके बाद ये रनआउट के तौर पर यहां से विकेट मिला, जैसे ही रनआउट की गेंद फेंकी थी हरीश कावंड ने, ऐसा लगा था अपने आप के ऊपर गुस्से में, यहां से हरीश कावंड, अब आने वाली 9 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज प्रशांत पाटील मैन फ्रॉम चिखले, इस बार ये अच्छी गेंद दिशा देने का काम किया, हवा में गेंद जरूर थी, 1 रन पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश और खराब फील्डिंग वहां पर, और यहां से दूसरा भी पूरा होता हुआ, अच्छा बैकअप मिलता हुआ, इन 2 रनों की मदद से समीकरण चेंज होगा, आने वाली 8 गेंदे और यहां से अब जरूरत है 4 रनों की, 8 गेंदे 4 रन, बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला यहां से देखने को मिल रहा है, 40 का पीछा करना था टीम हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी को और अच्छी तरीके से यहां से पीछा होता हुआ अभी तक नजर आ रहा है। फिर एक बार हरीश की ये गेंद बिल्कुल दिशा देने का काम कर रहे थे, जरूर बल्लेबाज खिलाड़ी संदीप वहां पर थे, सिंगल इस गेंद के ऊपर मिलते हुए, सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 37, आने वाली यहां से गेंदे बची है 7 और 3 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 3 रन, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल है, जब तक कि आखिरी गेंद मैदान के ऊपर गिरती नहीं तब तक क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत होता है, 7 गेंदे और 3 रनों की जरूरत, हरीश तैयार, हरीश की यह गेंद बिल्कुल रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में जाते भी ओवर की हुई समाप्ति, आने वाली यहां से गेंदे बचेगी 6 और 3 रनों की जरूरत, तब तक मिलेगा मौका डीजे मास्टर को। हेलो, 6 गेंदे और यहां से 3 रनों की जरूरत, टेनिस क्रिकेट में कई बार हमने देखे 6 गेंदों में 6 रन बचाते हुए, 6 गेंदों में 4 रन बचाते हुए, 6 गेंदों में 3 रन जरूर बचते हुए भी हमने देखे, क्या इस मुकाबले में 6 गेंदों में 3 रन बचा पाएंगे गेंदबाज दीपक पाटील मैन फ्रॉम अम्बिवली, अम्बिवली के ये जादूगर है, बिल्कुल स्पिन गेंदबाजी करते हैं, 6 गेंदों में 3 रन यहां से बचाने होंगे दीपक पाटील को, और यहां से एक तरफ से हम देखने के लिए जरूर तैयार है बल्लेबाज प्रशांत जो स्ट्राइक एंड के ऊपर है, क्या प्रशांत 6 गेंदों में 3 रन बना पाएंगे या फिर दीपक पाटील ये गेंदबाज ये 3 रन बचा पाएंगे, ये हम जरूर देखेंगे, इसी के लिए काफी दर्शक यहां से तैयार है, बिल्कुल फील्डिंग की रचना आप यहां से देख सकते हैं, अच्छी फील्डिंग की रचना करते हुए 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर नजर आते हुए, गेंदबाज दीपक पाटील तैयार, 6 गेंदे और 3 रनों की जरूरत, क्रिकेट में अक्सर मैं कहता हूं कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यहां से कोशिश करनी होगी टीम नीलकंठ 11 पेन के गेंदबाजों को, 6 गेंदे और 3 की जरूरत, गेंदबाज तैयार, दीपक लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट,
दीपक की ये गेंद पहले गेंद के ऊपर हवा में गेंद है, यहां से विकेट प्राप्त होता हुआ। मुकाबले में अभी भी ट्विस्ट बचा है, आने वाली पांच गेंदे, तीन रनों की जरूरत। डीजे हेलो, तर या दरम्यान रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असलेले आदरणीय महेंद्र म्हात्रे नवी मुंबई क्राइम ब्रांचचे कर्ज सदस्य आणि त्याचबरोबरने वेद फाउंडेशन इंटरनॅशनल पुरस्कार विजेते, पत्रकार परिषद 2022 पुरस्कार, तसेच सेफ्टी ऑफ द इयर 2022 हा पुरस्कार घेणारे गोरगरिबांचे काही बारी दुर्शेत पेन गावातील एक भारदस्त असे व्यक्तिमत्व असणारे, कोणतेही क्षेत्र असो, क्रीडा सांस्कृतिक अगर समाजकार्य यामध्ये मदत करणारे अग्रेसर असणारे आमचे मित्र या ठिकाणी महेंद्र दादा पाटील, महेंद्र दादा म्हात्रे यांचं शुभागमन या स्पर्धेत होत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला टी शर्ट देखील मिळाल्यात। त्या आदरणीय रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असणारे डॅशिंग आणि डायनामिक पर्सनॅलिटी असणारे महेंद्र दादा म्हात्रे यांचं शुभागमन या व्यासपीठावरती, त्यांना विनंती आहे आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन इथे आसनस्थ व्हायचं आहे। क्राईम ब्रांचमध्ये सध्या कार्यरत आहेत आणि सपत्नीक खरं तर वहिनी पण पोलीस आहेत आणि स्वतः देखील क्राईम ब्रांचमध्ये आहेत आणि रायगड भूषण हा पुरस्कार देखील त्यांना मिळाला आहे आणि आपल्या समाजाचे ते भूषण आहेत। आदरणीय महेंद्र दादा म्हात्रे यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय। तो यहां से गेंदे बची है, पांच और तीन रनों की जरूरत, जरूर खड़ा मुकाबला यहां से होता हुआ नजर आ रहे हैं। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां से कोशिश करते हुए पेन के खिलाड़ी नजर आते हुए, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल है और इस खेल में जब तक की आखिरी गेंद गिरती नहीं तब तक क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अंपायर, अब टीम मीटिंग देने का वक्त नहीं है, बिल्कुल दोनों टीम को वार्न कीजिए। चार ओवर में 20 मिनट का वक्त दिया जाता है और उस 20 मिनट के अंदर ही आपको मुकाबला खत्म करना है, ये भी ध्यान में रखना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर अंपायर्स बताएंगे। आने वाली यहां से गेंदे बची है, पांच और तीन रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का मुख्य रूल है। गेंदबाज दीपक तैयार, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज केतन कडू मैन फ्रॉम चिंद्रन के स्टार खिलाड़ी, पांच गेंदे और तीन रनों की जरूरत। इस बार ये गेंद बिल्कुल जड़ में फेंकी थी, सिंगल रन यहां से पूरा हुआ, क्या होगा दूसरा पूरा और यहां से ये दो रन भी पूरे होते हुए। अब आने वाली चार गेंदे और यहां से एक रनों की जरूरत, जरूर टीम छह गेंदों में तीन की जरूरत थी, फील्डिंग क्लोज लगानी चाहिए थी लेकिन वैसा हुआ नहीं और केतन कड़ू ने वो देखा कि लेग ऑन साइड के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं है और अच्छी यहां से बल्लेबाजी की। आने वाली चार गेंदे और यहां से अब एक रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का रूल है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। चार गेंदे और एक रनों की जरूरत, जहां से गेंदबाज दीपक तैयार रहेंगे, सामने बल्लेबाज केतन कडू, एक अच्छे बल्लेबाज है, अक्सर चिंद्रन टीम के लिए ओपन करते हैं और आज हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के लिए बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बैट का बारी किनारा, संदीप जरूर प्रयास कर रहे थे लेकिन यहां से यह सिंगल पूरा होता हुआ, इसी के साथ यह मुकाबला जीता हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम ने। दोनों टीम को हम बधाई देना चाहेंगे, लाइनअप करना है, दोनों टीमों को मैं विनती करना चाहूंगा हस्तांदोलन करके ये मुकाबला यहां से खत्म करना है। टॉस जीता है नवीच 11 विचुंबे टीम ने, जो कुछ भी डिसीजन रहेगा तुरंत लेकर मैदान के अंदर जाना है। चला नवीच 11 विचुंबे संघ अपन त्वरित मैदान ताबा घ्या। मेडनोर टाकली सचिन मोरे हा खेळाडू, खरतर जितू 11 जहरमा नेरे टीमचा हा भविष्य, ज्या टीमने गोरसई बी टीमला पराभूत केलं त्या संघाचा सदस्य सचिन मोरे याने मेडन षटक टाकला आणि त्या षटकासाठी खरं तर हिमांशु एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आदरणीय रविदादा भोईर